मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सीएम अशोक गहलोत ने आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास किसी उम्मीदवार का विकल्प होगा तो ही हम किसी की टिकट बदलेंगे। टिकट तभी बदलें या काटे जाएंगे जब कोई बेहतर विकल्प होगा। बीते दिनों राजस्थान के सियासी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा अशोक गहलोत ने कि मेरी बात को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। मेरा केवल यह कहना था कि कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे लोकतंत्र विरोधी नहीं हैं, जिसका पता नहीं क्या क्या मतलब निकाला गया। राजस्थान में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। राजस्थान में सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम पद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन सीएम पद की जिम्मेदारी मुझे नहीं छोड़ने वाली। सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि मैं खुद सचिन पायलट का समर्थन करता हूँ, उसके समर्थक विधायकों को मिलेगा टिकट, कुछ एक को छोड़कर सभी को टिकट मिलेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया था। सीएम अशोक गहलोत ने आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास किसी उम्मीदवार का विकल्प होगा तो ही हम किसी को टिकट। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।